खमा गणेशा, वेलकम बैक टू माय चैनल उषा राठौड़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल रात को हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा किया, डांस भी किया और खूब नमस्ते भी बहुत की। तो फिर हमें सोने में बज गया था, शायद 1-1.30 बजे हम सोए थे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और चाय पी है हमने। तो बस अब नाश्ता पानी बनाना है, मेहमान आए हुए हैं। तो मासी बोल रही है तू और पूजा मिलके कुछ मतलब पोहे वगैरह बना दो, तो हम बनाएंगे। बाकी सब भी लगे अपने अपने काम में। वो थोड़ा सा बस फेस नहा ही नहीं हो, फेस को ऐसे ही थोड़ा सा सही किया है क्योंकि गेस्ट है तो अजीब सा उठते ही मतलब अजीब सा लगता है। तो शेयर करेंगे आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ। वैसे जयपुर के लिए शाम तक निकलेंगे, अभी सुबह जल्दी नहीं जाएंगे, शाम तक आराम से चले जाएंगे। तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ आज का पूरा दिन कैसे क्या निकलता है। तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैंने बहुत ही टेस्टी पोहे बनाए लेकिन हमारे हाथ नहीं आए क्योंकि अभी गेस्ट तो पहले उसके बाद हम हैं। तो हमारे लिए वापस कढ़ाई धोने में, हाँ हमारे लिए वापस बना रही है मासी। तो जलेबी भी है, जल्दी बना दे मासी, अब भूख और बर्दाश्त नहीं। ये सब बैठे हैं अपने नाश्ते के वेट में। वहाँ सब गेस्ट मतलब नाश्ता पानी कर रहे हैं अपना। मासी ने हमारे लिए भी यम्मी यम्मी पोहे बना दिए हैं। तो अब हम करेंगे नाश्ता पहले, उसके बाद करेंगे गिफ्ट अनबॉक्सिंग। तो अभी हम करने वाले हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग और ये सारे गिफ्ट्स हैं और इनको कैश भी मिला था। कैश कितना आया वो ही बताना, काउंट कर लिया? चलो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले किसका है? ये किसका है? अच्छा विकी के फ्रेंड का चिन्ह। अब तो नाम जोर लीजो नीचे से खोला करो ना, तो ये पूरा का खोलना है। मैंने भी सुना कौन का फोन था। हां हां बिल्कुल। चलो अरे चलो फोटो फ्रेम। हां और निकालो तो मैंने फोटो खींचे। तो ये फोटो फ्रेम है ये फूल कौन लाया भाई? मेरा गिफ्ट अनबॉक्स हो गया, इसको भी रख लो। ये मेरे नाइट में दिया था इनको, क्या था और वो वाला था मैं कुछ नहीं आज के लगा कि जस्ट मैंने मैंने इनको कहा था कि हो ही नहीं रहा। मैंने बाबू थोड़ा सा इधर आ जाओ। इसमें पानी डाल दे, पानी डाल के सुंदर है। बाहर वाले रूम में क्या लगते हो आपके, वो ही बता दो। ऐसे बोलो गौरीशंकर।
ये विक्की के फ्रेंड ने दिया है, प्रेम ही है राधा कृष्ण की। इनके भाई भाभी की तरफ से फोटो फ्रेम बोला सालों साल याद रखेगी। ये तो सच में बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। ये हमारे सोनू जीजा ने दिया है, जो मम्मी के घर की बेटी बनाई हुई। जोर से बोलो, लगा के दिखाऊं क्या? बहुत हमारे इन्फ्लुएंसर जो ब्लॉगर है हमारे उषा जीजा, मैं जरूरत को संभाल ले रही हूँ। आपकी मेहनत कर रहे हो मुझे चाहिए था। बहुत ही प्यारा है ये स्पेशल जीजा की तरफ से हमारे उषा जीजा, बहुत प्यारा है। नाइस, अच्छा है। ये तो भाई है। जीजा जीजा चल रहा है तो बहुत मेरी हमारी गुन्नू की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट, खोल बंद कर रहा था ना ये नीचे मत घुमाना इसको।
लाइट में लगाओ। लाइट बंद कर दो पूरी। लाइट बंद कर दो एक बार। अच्छा आ नहीं रहा है ना, नीचे की है। हाँ। एक लाइट चला ना नीचे का। हाँ, ऊपर भी एक फोटो। अभी भी नहीं आ रही। अच्छा इसको गोल करो, वापस लगा के इसको सेंटर में करो। अगर ऐसे घुमा दोगे तो खराब हो जाएगा। वापस लगा के इसको सेंटर बीच में कर दो। ये है पांच लोगों की तरफ से लव्या भाईसा की तरफ से लव्या, ये आप लाए हो क्या? क्या लाए थे? नहीं पता। ये जीजा ने हमें नाइट में दिया था, ये पूजा जीजा की तरफ से। सेम लाओ। अच्छा लगा। लगा के दिखाओ, ये सब दादी सब मम्मी की मेहरबानी से ही है। वो ना होते तो ये सब ना होता। जब दादी दादी आते हैं तो मम्मी नहीं आते, मम्मी नहीं आते तो मम्मी नहीं आते। दादी के पीछे ये पूरा परिवार है। ये देखो दादी साहब वाले कागजा जो रख है, काकी साहब इनका ही दाना तो ले रहा है, इनको ध्यान बच्चा यान बेटिया जाना मिल ही एक एक अच्छा रिटर्न गिफ्ट है क्या? मैं आ रही हूँ। हमारे पीछे बच्चा, मैं खुद ही बच्चा। अरे रिटर्न गिफ्ट मिले, अभी तो बच्चे ही हैं। हमारे भाई भाभी कितने अच्छे हैं, रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं हमें बच्चों को। हम भी तो बच्चे ही हैं ना। जिनके खुद के बच्चे हैं उनके बच्चों को मिलेगा, जिनके बच्चे नहीं है उनको खुद को मिलेगा। आ जाओ उनके लिए हमने गिफ्ट दिखाएंगे। रिटर्न गिफ्ट मिलेगा खोल के दिखाओ पूरा। अरे मंदिर ना जल्दी से फाड़ो, जल्दी जल्दी फाड़ कैसा लगा आपको? अच्छा चलो हाइडो बनाते हैं का मुंह खराब हो गया। अच्छा लगा, ये स्पेशल कलर्स हैं तेरे। अब किसका है? अरे उसको तो लेके आओ।
बाबू को रेस्ट फरमाते हैं काम के टाइम की, मम्मी की मम्मा को दो बाबू के चले केक कट के टाइम सो रहे वो है ना अपने दवा दम लो ऐसे कर करके सुला दिया तो जल्द हो जाते क्या है इसमें अच्छा लवू का नहीं आया है ना बाकी सबका आ गया अरे लवू को तो लाए अभी लवू के लिए तो आया ही नहीं गिफ्ट तो ये वाली चीजें के लिए हमने के पारी का लड़कियों का लड़कियों का डांस ही करता है इसके लिए ये है पूजा के बाबू का खोलो भाई ये कैसा है कैसे बाबू ये अच्छा है वो ही था प्यारा तो बहुत प्यारा है तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग का हमारा हो गया है अब चलो जल्दी जल्दी सब नहाने जाओ घूमने चलते हैं बाहर अपने अपने गिफ्ट दिखा दो सारे काम के तेरी तो दुनिया भर की तो पेंटिंग से इतने जिस भी टाइप के पेंटिंग कलर है बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट है सबके और सबसे अच्छा ज्यादा ये लगा कि सब लोग टाइम पे आए और एंजॉय किया बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच लोगों स्पेशल बना दिया आपकी पार्टी को बहुत स्पेशल बना दिया चार चांद लगा दिए और कुछ आपकी तरफ से सिंग के बाद बिनिसा ने गाया एक भजन क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब अपने शौक के लिए सिंगिंग वगैरह करते हैं इनको अच्छा लगता है सिंगिंग मतलब गाना गाना तो इन्होंने एक भजन गाया ये मासी सुनती है ये मुरली वगैरह तो वो सुनाया इन्होंने बाहर जाने का प्लान बना है थोड़ी देर हम बाहर घूम कर आएंगे तो जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो रेडी हो रहे हैं और हम रेडी होकर बैठ गए हैं तो सबने सोचा है कि मतलब सूट पहनेंगे सलवार सूट हम तो पहले रेडी हो जाते हैं हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होकर 8 बजे के तैयार हो रहे हैं 12 बजे तैयार होकर बैठे हैं तो अब शाम को जाना भी है तो ये कोई निकलेंगे तब हमारा जाना होगा बहुत टाइम लगा रहे हैं भाई बाबू देखो गाड़ी से बाहर जाएगा सीधा पीछे करना चाहिए अपना वो बाहर निकलेगी एक चिपका दिया करो बारह बेटा और सोच रहे बारह निकल नीचे तू आगे।
तो फिर हम गए थे किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड में, जहाँ मतलब मार्बल का ये पाउडर सा है, बट थोड़ा मतलब ऐसे ही घूमने फिरने। और यहाँ मतलब संडे है ना, तो आप देख सकते हो कितना मतलब हो रहा है, कितने लोग आते हैं। तो मतलब दिखाते हैं आपको कैसा क्या है सीन। फोटोज वगैरह क्लिक करवाने के लिए ये बेस्ट जगह है किशनगढ़ की। और यहाँ मतलब एक दो सॉन्ग भी हुए हैं, है ना पूजा, अरे गाना भी हुआ है ना, अभी आया था नया हनी सिंह का। तो यहाँ एक घंटा हम घूमे फिरे, मस्ती की, थोड़ी फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, क्योंकि फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ प्री वेडिंग शूट वगैरह भी होते रहते हैं। और लास्ट में मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, तो मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की। और फिर एक घंटा घूमने फिरने के बाद हम गए घर, और घर से सीधा फिर जयपुर के लिए निकल गए। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।